दो दफ़ा तो मैं गिर चुका हूँ, अब आगे अल्लाह करे कि ना गिरूँ। ओह ये तो मुश्किल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से सफ़र शुरू करता हूँ। तो आज हम जा रहे हैं चिल्तन के पहाड़ हाइकिंग पे। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आई होप कि आप सब ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज हूँ मैं क्वेटा में, और क्वेटा में फुल बारिश का मौसम है, और आपको पता है कि कल न्यूज़ में भी आया था काफ़ी फ्लडिंग आई हुई है, लेकिन हम आज के दिन जा रहे हैं इस फ्लडिंग वाले और बारिशों के दिनों में कहाँ, चिल्तन के पहाड़। चिल्तन का पहाड़ यहाँ पे बहुत फेमस है, चिल्तन पार्क बहुत फेमस है, वहाँ पे जा रहे हैं हाइकिंग करने। मैं हूँ और मेरे साथ हैं मेरे दो दोस्त जवाद, और उनके दोस्त हैं जवाद, उनके आपके दोनों को तारुफ करवाता हूँ आगे इंशाल्लाह। तो ये दोनों माउंटेनर और प्लस हाइकिंग करते रहते हैं हमेशा अफगानिस्तान में, और बड़े प्रोफेशनल लोग हैं। करखसा पार्क वाला रोड है, तो हम भी उस पर मुड़े हैं, और हमारा ये प्लान ऐसे बना के कल मैं गया था बैग लेने। तो यहाँ की एक मार्केट है, फॉरेनर्स का काफ़ी सामान मिलता है यहाँ पे, बाहर का आपको काफ़ी अच्छे बैग्स हाइकिंग की चीज़ें मिलती हैं। तो जो फ्रंट पे भाई जा रहे हैं उनकी वो शॉप है, तो अगर आपको कभी कुछ चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स करें, मैं उनसे पूछ के आपको बता दिया करूँगा। वहाँ पर हमारा प्लान बना के मैंने कहा मैं हाइकिंग करता हूँ, इन्होंने कहा हम भी माउंटेनर हैं, हम भी हाइकिंग के शौकीन हैं। ये देखें ये गेट है, और ये हम एक पार्क में अब इंटर हो रहे हैं, बलूचिस्तान में हाइकिंग, इसको कहते हैं करखसा तफरी पार्क। वाइट ट्रैक, चश्मा, रेस्ट हाउस, ग्रीन ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक, साइकिलिंग ट्रैक, यहाँ पे हर किस्म के ट्रैक्स हैं। तो ये मैं देता हूँ, क्या हाल है, कैसे हैं अभी आगे, कितना 3 है, ये देखें करखसा ट्रैक, करखसा ट्रैक। मैं तो कहता हूँ ये पाकिस्तान का सबसे मुश्किल ट्रैक होगा। हाँ ट्रैक आप उसे नहीं कह सकते, अलबत्ता बारिशों में मुश्किल, सबसे मुश्किल हो गया यहाँ बारिशों की वजह से। ये जो बबून ट्रैक है, बबून कहते हैं सबसे ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन वो उस पर रोड बना हुआ है, वहाँ पे लोग जाते हैं, इस पे तो सिर्फ पानी गुजरता है। 37 किलोमीटर इसका जो है ना टोटल, ये 37 किलोमीटर आप जाओगे सर, 37 किलोमीटर तो आगे आपको तकरीबन 18 किलोमीटर के बाद आपको आगे पैदल जाना है। अच्छा 18 किलोमीटर तक आप बाइक पर आ सकते हो, लेकिन वो भी ऐसी आम बाइक होगी तो आम बाइक जो है ना छोटी मोटी बाइक, ये हैवी बाइक तो इम्पॉसिबल है लाना। हाँ और ये सारा एरिया कहलाता है चिल्तन नेशनल पार्क, चिल्तन नेशनल का हिस्सा है पार्ट, बिल्कुल यहाँ से आप जाओगे वो सामने आप चोटी की तरफ ले जाओ, उस तरफ वो, हाँ वो चोटी के साथ ही उधर से आप उतरोगे आगे जो है ना मस्तूंग डिस्ट्रिक्ट शुरू हो जाएगा। अच्छा इस चोटी की बैक साइड में मस्तूंग है, वो सामने जो ट्रैक नज़र आ रहा है ये काइना के पीछे,
चिल्तन के हैपी को नीचे वाली ऊपर वाली तो पीछे आपको वाली यहाँ से नजर नहीं आएगी सर। अच्छा वो इससे भी ऊपर है, वो बादलों में छुपी हुई है, इस छुपी हुई है। आप जब इस साइड पे चढ़ोगे फिर वो आपको नजर आएगा, वो वहाँ से आपको नजर आएगा। और ये बलूचिस्तान की जो है ना, इसको बलूचिस्तान का आप वो कह सकते हो, बलूचिस्तान का पर्वत। हाँ ये बलूचिस्तान की सबसे टॉप चोटी है, हम उसके करीब जा रहे हैं। टॉप चोटी नहीं है सर? अच्छा टॉप नहीं है, टेक्निकल मोस्ट टेक्निकल मोस्ट डिफिकल्ट ट्रैक है, सबसे मुश्किल ट्रैक। इससे भी एक मुश्किल ट्रैक है, नाम अभी मेरे जहन में नहीं आ रहा, जहाँ पे पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए थे। हाँ, वो चागी चागी वाला, उसको क्या कहते हैं, रास्को, 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 वो हाइट लेवल से जो है ना, क्या सी लेवल से जो है ना, वो नीचे है। अच्छा लेकिन हाइट में बलूचिस्तान का सबसे बड़ा पहाड़ है। अच्छा हाइट के हिसाब से, और वो उसमें वो टेक्निक नहीं, हम जा रहे हैं ये बिल्कुल खस्ता ट्रैक पे जाके, हमने वहाँ पे ट्रैक का जैसे ये वगैरह का एंड हो जाएगा, फिर हम वहाँ से हम पैदल आधा घंटा पैदल जाएंगे वहाँ दूनी चलें, अभी चलते हैं इंशाल्लाह। चलो फिर मजीद, बहुत मुश्किल ट्रैक है, ओए होए होए, कभी बाइक बड़ी ना ले आना। شقاوة فيها الدنيا بالله يا رفيقة بقلقوة في حضن الطبيعة الدنيا الدنيا شقاوة فيها الدنيا بالله يا رفيقة بقلقوة في حضن الطبيعة الشقاوة ما ننسى فيها الحلاوة الدنيا فيها الحسادة ما ننسى فيها السعادة الدنيا فيها المودة يا إنسان سخط پتھر ہیں یہ بالکل سخط پتھر ہیں اور ان کے اوپر ہم چڑھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ریت بھی ہے سلپری कहीं भी थोड़ी सी बाइक स्लिप हुई ना तो मैं सीधा नीचे। ओ माय गॉड ये तो और खतरनाक, ये नहीं आएगा। यार किधर किधर उतारा है भाई ने हमें। ओहो मैंने कहा था ना ये नहीं जाएगा, ये उतर गिर गया यार, बहुत इतना भारी है, इसको कंट्रोल करना कोई आसान काम नहीं है। अब इसको उठाओगे आपको आइडिया हो जाएगा। टेढ़ा तो नहीं किया कुछ, गार्ड लगी है लेकिन टेढ़ा किया ना वो टेढ़ा कर दिया। ओहो ये टेढ़ा कर दिया ना, आगे भी तो नहीं है इस तरह का, इसको धक्का मैं बैठूं आप धक्का दोगे तो चलो ना, तीनों धक्का देते हैं इसको। हाँ इसको कोई इसको क्लिच पकड़ना, यहाँ से ऐसे ही निकालना पड़ेगा। जवाद आगे जाओ, एक मिनट आ जाओ, इसका स्पीड का काम नहीं, इसका वजन ज्यादा है, इसको जो है ना आप इधर से आओ, आप इधर से आओ सीधा, अभी
हम दोनों धक्का देते हैं, ऊपर बैठ जाओ इसके। अच्छा छोड़ा नहीं? नहीं नहीं बैठ बैठ उस तरफ, गिर ना जाए, मैं बैठूंगा तो ये सारे चले चले स्टार्ट करूं। रुको नहीं, बस नहीं सर, ये कहाँ से आएगा? इसका तो यही मसला है कि इतना वजन है और इस रास्ते पे लाना तो बहुत बड़ी बात ही, हम इसको ले आए आगे ना ऐसा आप ले जाओ। شقاوة فيها الدنيا بالله يا رفيقة بقلق وفيه حضن الطبيعة الدنيا الدنيا شقاوة فيها الدنيا بالله يا رفيقة بقلق وفيه حضن الطبيعة अभी मैं जो है ना इसको बाइक को भगा रहा हूँ ताकि ये थोड़ा मोशन में हम इस ट्रेल को कर लें। ये बारिशों के बाद इसका बहुत ही बुरा हाल हो गया है इस ट्रेल का। यहाँ पे तो ना गाड़ियाँ आती हैं ना उससे, ये पानी का रास्ता है जिस पे हम चल रहे हैं। पानी के रास्ते पे हमने आज बनेली को सारा पत्थर है, बड़े बड़े पत्थर हैं। ये तो आप भूल जाएंगे कि जो आप ट्रेल करते हैं इतना ख़तरनाक और इतना मुश्किल ही ट्रेल है, ट्रैक है, कि मैंने आज तक गाड़ी में भी ऐसा नहीं किया जो आज मैं यहाँ पे इसको कर रहा हूँ। इतने बड़े बड़े पत्थर हैं और सब स्लिप होने वाले, दो दफ़ा तो मैं गिर चुका हूँ, अब आगे अल्लाह करे कि ना गिरूँ। ओह ये तो मुश्किल, ये बहुत मुश्किल ट्रैक, और हमने अंधेरे होने से पहले हमने वापस आना है, अभी 2:30 बज रहे हैं और हमारा टारगेट ये कि हम अंधेरे से पहले इसको कवर कर लें। आज तक मैंने जितने भी ट्रैक किए हैं गाड़ी में या तो फिर बाइक पे, ये सबसे मुश्किल ट्रैक है। कैंप वाले आए हुए हैं आई थिंक, पैदल पैदल आए हैं ये सब। यहाँ पे ना कोई गाड़ी आती है ना यहाँ पे कोई बाइक वाले आते हैं। हम इस ट्रेल पे चल, मैं सबसे आगे आ गया इसलिए कि सीधा सीधा रास्ता है, तो मुझे थोड़े स्पीड चलाना था, उनकी बाइक ही स्लो आनी थी। मैंने अपने ये खतरनाक है, इधर से और फिर फंसा दिया। तो रास्ता ही नहीं आगे, रास्ता ही नहीं आगे। हाँ मेरे वो मोड़ना खींचे, हाँ इसको ओए ओए ओए
मर्ड ही मर्ड है। चले बहुत मुश्किल ट्रैक है, कोई भी सांस लेने नहीं दे रहा, कोई भी हिस्सा कि हम सांस ले। दोस्तों फिर गिरी है एक दफ़ा बाइक, गिरा गिरा के थक गए हैं इसको आज। खरखसा एडवेंचर ने आज हमें जलील कर दिया। चले उठाएं अभी इस बाइक को। ट्रेल बेस्ट है, ट्रेल होती है। न्यूट्रल में होगी, हाँ न्यूट्रल में करें ना। तो हम इस जगह पे अब टेंट लगा रहे हैं, टेंट लगाने के बाद फिर बनाते हैं चाय और आपको कराते हैं एंजॉय। अब बहुत ही ख़तरनाक किस्म की बारिश भी आने वाली है, तो उससे पहले जल्दी जल्दी ख़ुद को सेव कर रहे हैं और ताकि जल्दी जल्दी चीज़ों को सेट करें और आपके लिए वीडियो भी बनाते रहें साथ साथ। अभी हम क्या बना रहे हैं? अब हम खाना गर्म कर रहे हैं, खाना गर्म कर रहे हैं और खाना खाना गर्म करने के बाद फिर हम गाएँगे खाना। ये है हमारा टेंट, वो है हमारी बाइक्स और हो रहा है खाना गर्म। अभी हम बाहर ढूंढ रहे हैं और बहुत ही शदीद किस्म की बारिश हो गई है, ये आप देख रहे हैं कि बहुत बुरा हाल हो गया। हम अभी गार ढूंढ रहे हैं कि बस कहीं गार में छुप जाएं और कोई गार हमें मिल जाए और किसी गार में हम छुप जाएं।